आज रेलगाड़ी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है और हर रेल यात्रा का आनंद अपने आप में कुछ अलग सा होता है, अनूठा सा होता है। गांव को छोड़ शहर से दौड़ भीड़ भाड़ से दूर भागती हुई रेलगाड़ियां एक रोमांचक सा दृश्य पैदा करती हैं। और न जाने कब से हम अपनी पहली रेल यात्रा के आनंद को लिखते आ रहे हैं, कभी निबंध के रूप में तो कभी पत्र के रूप में। ये मैदान से पहाड़ को जोड़ती है, गांव से शहर का मेल कराती है। यातायात की धन्य है रेलगाड़ियां, भड़कना यानी गतिशीलता ही इनका जीवन है। लेकिन इस दौड़ भाग के चलते कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, दुर्घटना चाहे यांत्रिक खराबी के कारण हो या फिर मानवीय त्रुटि के चलते, दोनों ही दशाओं में जान माल का भारी नुकसान होता है। रेल दुर्घटनाओं की समस्या पर काबू पाने के लिए रेल विभाग के इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश के बच्चे भी कोई पीछे नहीं है। इन प्रतिभाशाली बाल वैज्ञानिकों ने रेल दुर्घटनाओं की समस्या पर काबू पाने के लिए तरह तरह के गतिमान प्रदर्श यानी मॉडल बनाए हैं। मेरा नाम नवनीत कुमार जैन है, मैं बिलासपुर से एमपी मध्य प्रदेश आया हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला कल्तरा है। मैंने दुर्घटना रहित रेलवे ट्रेन का मॉडल बनाया है। जब रात को गलत सिग्नल के कारण दो ट्रेन एक ट्रैक पर आ जाएं, तो उससे उनमें कलिजन हो सकती है। जैसे भी यहाँ पे ट्रेन आएगी क्या किसी भी स्टेशन जाएगी तो ऑटोमेटिक फाटक बंद होने लगेगा धीरे धीरे। कुछ भयंकर दुर्घटनाएं घटी, हमारे बाल वैज्ञानिक जी जान से जुट गए इन जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बड़े कमाल से जोड़ा उन्होंने जीवन के इस महत्वपूर्ण आयाम से। जब रात को गलत सिग्नल के कारण दो ट्रेन एक ट्रैक पर आ जाएं, तो उससे उनमें कलिजन हो सकती है। उसको रोकने के लिए हमने ट्रेन के आगे LDR लगाया है। LDR की फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जब दो ट्रेन आमने सामने एक ट्रैक पर आएंगी तो उससे एक दूसरे की लाइट एक दूसरे के LDR पर पड़ेगी, तो LDR जो है वो सर्किट को ऑफ कर देगा और ट्रेन की ब्रेक्स लगेंगी और ट्रेन खड़ी हो जाएगी। अरे भाई रुको रुको, अरे ये क्या कर रहे हो, रुको। रेल फाटक को अनदेखा करने की आदत के पीछे मुख्य कारण है जल्दबाजी, या फिर आदमी अपनी ही धुन में मस्त चला जाता है। कभी कभी रेलगाड़ी कितनी दूर है इसके बारे में जानकारी न होना भी रेल दुर्घटना का कारण बन सकता है। भाग थे जब बच गए। कितनी बार कहा है कि गाड़ी के सामने से मत निकाल, मरेगा। क्या डरपोक है चाचा तू, अब की बार तो गाड़ी बहुत दूर थी, मैं तो 20 गज की दूरी पर दौड़ा लाता हूँ। 20 गज की बात कर रहा है, एक सेकंड में 25 मीटर चलती है गाड़ी, 25 मीटर। ट्रेन दिख जाए तो रुक जा, उसके साथ दौड़ लगाने की होड़ मत कर, पता नहीं चलता है स्पीड का, ऐसे ही तो लोग मरते हैं। इस बाल वैज्ञानिक की चिंता है रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाएं, इसका समाधान इन्होंने पेश किया इस प्रदर्श द्वारा। यह है ऑटोमेटिक रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या है कि दुर्घटना सीधे बली के हिसाब से रखा गया है। जैसे भी यहाँ पे ट्रेन आएगी क्या किसी भी स्टेशन जाएगी तो ऑटोमेटिक फाटक बंद होने लगेगा धीरे धीरे। तो फाटक बंद होने के साथ साथ सायरन भी चालू हो जाएगा सिग्नल, और ये रेल लाइट भी चालू हो जाएगी। जब तक फाटक बंद रहेगा तब तक सायरन और सिग्नल दोनों चालू रहेंगे। मान लो कोई यहाँ पे अंदर रह के आ जाए, इसको मालूम तो पड़ेगा नहीं रेड लाइट चालू है या नहीं, इसको सायरन सुन सकता है, वो आवर भी जाएगा ऑटोमेटिक। जब वापस ट्रेन
क्रॉसिंग पार करके निकल जाएगी तो ऑटोमेटिक सायरन तो बंद हो जाएगा उसी के साथ में, और रेड लाइट भी बंद हो जाएगी, फिर ये येलो लाइट चालू हो जाएगी, पीली लाइट, और फिर आप फाटक से ऊपर खुलेगा तो फिर ग्रीन लाइट चालू हो जाएगी। ये स्वचालित लेवल क्रॉसिंग यानी रेल का फाटक बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। सचमुच हमारे इन बाल वैज्ञानिकों की सूझबूझ का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन रेल दुर्घटना अगर पटरी की टूट फूट या उखड़ने की वजह से हो तो ये समस्या भी हमारे इन बाल वैज्ञानिकों की आंखों से ओझल नहीं रह सकी। बस वो जुट गए इस समस्या का समाधान ढूंढने में। जानते हैं उन्होंने इसका बहुत बढ़िया समाधान ढूंढा। इसमें क्या होता है, कभी भी अपन इस ट्रैक को हटाते हैं, इस ट्रैक एनीवे कहीं से भी ट्रैक हटाते हैं तो ट्रेन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है और सिग्नल रेड हो जाते हैं। इससे ड्राइवर को यह कंफर्म हो जाता है कि आगे ट्रैक टूटी हुई है और वह स्लोली स्लोली ब्रेक मार के ट्रेन को स्टॉप कर लेता है। इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। चला के दिखाइए। यस सर, ये ट्रेन चल रही है, जैसे ही अपन इस ट्रैक को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। सर ये ट्रेन स्टॉप हो गई है, इससे क्या होगा कि ये अभी बाय द वे ये नहीं होता तो यहाँ तक आती ट्रेन और दुर्घटना ग्रस्त हो जाती। क्यों, है ना कारगर और प्रभावशाली समाधान। इन बच्चों ने विज्ञान को जीवन से बड़े ही मनोयोग से जोड़ा है। ये प्रतिभाशाली बाल वैज्ञानिक इन प्रदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए न जाने कितनी ही बाधाओं को लांघ कर आज हमारे सामने आए हैं, लेकिन इनकी मेहनत लगन तभी कामयाब हो सकती है जब इन प्रदर्शों को कोई संस्था अपनाए, उनमें आवश्यक सुधार करे और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करे। इसलिए आवश्यकता है इन बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की, इनकी प्रतिभा को आगे लाने की, ताकि देश इनकी प्रतिभा से लाभान्वित हो सके।